राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ गए हैं, जिसमें बीजेपी को बंपर जीत मिली है। अब सबकी नजर इस पर है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बने। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की रेस में सबसे आगे हैं वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ, साथ ही कई चेहरों पर अटकलें भी चल रहे हैं। वसुंधरा राजे लगातार अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। लेकिन फैसला तो आलाकमान के हाथों में है और बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। राजघराने को मिलेगी कमान या बाजी मारेंगे राजस्थानी के योगी। आइए हम आपको बताते हैं कि राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में कहां क्या चल रहा है। राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आ गई है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ही सीएम फेस होंगी या पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगी। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ सीएम फेस घोषित करने से परहेज किया बल्कि कई सांसदों को भी चुनाव में उतार दिया था। राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा सबसे लोकप्रिय चेहरा रही वसुंधरा का ग्राफ गिरा भी है। ऐसे में ये सवाल वाजिब भी है कि राजस्थान में सीएम का ताज वसुंधरा राजे के ही सर सजेगा या पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगी। वसुंधरा राजे बीजेपी की दिग्गज नेता होने के साथ साथ सीएम पद की प्रबल दावेदार है। राजस्थान की वो पहले भी सीएम रह चुकी हैं। इन दिनों पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी नजदीकियों की मीडिया में खूब चर्चा भी हुई थी। हालांकि ये भी दावा किया जाता है कि कई मुद्दों को लेकर आलाकमान से उनकी नहीं बनती। इसके अलावा आरएसएस से भी उनके रिश्ते बेहतर नहीं हैं। हालांकि इस बार चुनाव में उन्हें समर्थन करने वाले कई विधायकों ने चुनाव लड़ा और जीते भी। ऐसे में अगर विधायकों का जबरदस्त समर्थन राजे को मिलता है तो बीजेपी आलाकमान उनके नाम पर भी विचार कर सकता है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई विधायक अभी से ही राजे के घर आने लगे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए, राजस्थान के लिए सबसे बड़ा सबसे ज्यादा किसी के नाम पर चर्चा हो रही है तो वो है बाबा बालकनाथ। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ को कई लोगों ने सीएम के रूप में सबसे ज्यादा पसंद किया है। एग्जिट पोल की ओर से किए गए सर्वे में शामिल लोगों की पहली पसंद सीएम अशोक गहलोत थे, जबकि सर्वे में शामिल लोगों ने गहलोत के बाद बतौर सीएम सबसे ज्यादा बाबा बालकनाथ को पसंद किया था। सर्वे में 10% लोगों की पसंद महंत बाबा बालकनाथ योगी थे। वहीं हम आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में महंत बाबा बालकनाथ योगी ने अलवर से सबसे ज्यादा सबसे बड़े कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह को पराजित किया था। राजस्थान की हॉट सीटों में से एक तिजारा विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ के साथ ही कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं। राजस्थान में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा के अलावा इन तीन नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र चौधरी समेत कुछ और नेता भी हैं सीएम के रेस में शामिल माने जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव या सुनील बंसल जैसे कद्दावर नेताओं में से भी किसी को बीजेपी नेतृत्व राजस्थान की सत्ता संभालने के लिए जयपुर भेज सकता है। अर्जुन राम मेघवाल का नाम जिस तरह से पीएम मोदी ने कई जनसभाओं में लिया, उसकी वजह से भी सीएम पद पर उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि इन सभी अटकलों के बीच दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई। संसदीय दल बैठक समापन हुआ है, उसमें जैसे शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो साइक्लोन के कारण जिसको कठिनाई हुआ है और जो दुखद घटना घटी है उसके लिए संवेदना प्रकट की है और उनके फैमिली के लिए भी उन्होंने संवेदना प्रकट किया है और तीन राज्यों के साथ मिजोरम और
तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड अलोंग विथ छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश वेयर वी हैव वन विथ अ कंफर्टेबल मार्जिन, बट वेयर एट द सेम टाइम भारतीय जनता पार्टी हैज इम्प्रूव्ड इट्स स्ट्रेंथ इन मिजोरम एंड तेलंगाना ऑल्सो इन मेनी फोल्ड्स। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना और मिजोरम में भी हमारा बल वृद्धि हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुआ है और तीन राज्यों में हमने सरकार हमारे लोगों ने चुन चुका है और सरकार बनाया जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वह है इस देश में 40 बार कांग्रेस पार्टी को जब वो सरकार में रहते हुए